શોર્ટ લેશો. હા ઓકે. ના આ બે શોર્ટ લઈશો. થોડો વાઈડ 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 આમ આમ. હા બસ એક મિનિટ પહેલા ફોટો. બસ જી બસ. થેન્ક યુ. એક फोटो हो जाए दादा बैठ जाना पूरा बैठ जाएंगे बड़ा सामने दो दो यस या लुक सेंटर एवरीवन या वन मोर प्लीज यस वेट 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 वन मोर होल्ड ऑन होल्ड ऑन वेट फॉर द वीडियो हां दादा थोड़ा सब कट जाए बस यस वेट फॉर वीडियो हां ओके चलो वीडियो लो बैठ जाओ संजय बैठ जाओ वीडियो ले लो बैठ जाओ बुक ऊपर दो तो बुक ऊपर रख दो हां बस वेरी नाइस सुपर ऑन जगह ना सर यस प्रॉपर मैडम थोड़ा बाहर आओ कट हो रहे हो अरे ये लेना प्लीज लुक सीट या वन मोर प्लीज यस वन मोर टाइम यस यस सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आशु भाई एंड रिजवान जी जो हम लोग को आज मालूम पड़ा जो हमारे जो बैंड है खास जो वेरी नियर एंड डियरेस्ट जीतू भाई पटेल उन्होंने बताया कि भाई आशु भाई की नॉवेल है और रिजवान जी के ऊपर लिखी गई है तो हमने बोला कि जिनके ऊपर लिखी गई आप तो हमारे के राइटर है ही 50th के बुक है वो तो हमने सोचा कि जिन पे लिखी है वो भी कुछ बहुत कमाल की हस्ती होगी जिन पे नॉवेल लिखी जा सकती जिन पे लिखी जा सकती बहुत अच्छा मैंने खाली मैंने आगे पढ़ना तो पर मैंने लास्ट पेज देख लिया इनका He was going to go global in 70 countries. So many, many congratulations, Rizwan bhai. And Ashu bhai for writing this novel on him. And thanks very much, the distinguished guest and everyone. Many, many congratulations and happy birthday, Rizwan bhai. Abhi main Ashu bhai ko bahut bahut mubarakbad कहना चाहूँगा और रिजवान जी को और जितने भी गेस्ट आए हैं सबको बाकी जो और जयंती भाई जो हमारे खास फ्रेंड हैं और टॉप हमारे इंडस्ट्री के हेल्पफुल पर्सन हैं सबको प्रमोट करते हैं तो वही आज हमारे सामने हैं और दूसरा मैंने जो कहा ना पॉपर में रिपीट करना नहीं चाहूँगा हाँ तो मैंने वो आपको विश करना था हंसू जी एंड रिजवान भाई तो ऑल दी बेस्ट जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा आई थिंक आशु भाई का वही स्पेशलिटी है मैडम एक्स भी वैसे ही है थ्रिलर है आप सोचो क्या होने वाला ट्विस्ट कहीं हो जाता है तो ये अबाल मुस्तन जी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आई थिंक एक हफ्ते होनी चाहिए व्हाट डू यू थिंक गाइस आई थिंक नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे वी आर कमिंग एंड बुक का नाम जो होगा सस्पेंस फिल्म बनाना अलग बात है एंड पर्सनल लाइफ अलग बात है और वी कैन मेक अ बुक जिस पे आप ही फिल्म बनाओगे फिर से अच्छा उसमें जो ट्विस्ट का एंडिंग होगा उसका ट्विस्ट कुछ और हो जाएगा मूवी में डू यू थिंक डू यू एग्री
कास्टिंग में दो फाइल लेने पड़ेंगे जो आइडेंटिकल लग गई है बेटा ऑडिशंस लेट्स स्टार्ट अनाउंसमेंट डीटेल्स या दे अनाउंस इट थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर साइंस के आशु जी ने हमको बुलाया था और आशु जी मेरे फ्रेंड है और इतनी बुक्स लिख के मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि इतनी बुक्स लिखते हैं आज उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और रिजवान जी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है रिजवान जी को बहुत 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 मुबारक और मुझे खुशी है कि मैं अभी सुबह आयुष्मान को विश करके आया उनका भी आज बर्थडे है और रिजवान जी का भी आज बर्थडे है आज हमने ड्रीम गर्ल रिलीज किया तो आज बुक भी रिलीज कर थैंक्स जैन भाई मेरे दोस्त है सीनियर हमारे अब्बास भाई मसान भाई डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच When I have started my journey before 3 decades, almost same time we have started journey from Porbandar. We started from late 80s, I think 85. I have started 88, yeah. So at that time we are dreaming big that we'll do something big. Rizwan bhai has a tremendous business command, vision, and I have creativity. So I have 50 books. Rizwan bhai has few thousand crore rupees. Narendra Modi knowing personally. Day before yesterday, he was having lunch with President of Iceland, and previous day he was having lunch with Ramnath Kovind in Iceland. So many of the people, Salman Khan knows him personally. This we are proud of him. We are from same region, and actually I know him through. His uncle, Salmaji's Masa, Akbar Soratia. So he is my very old friend. So I have heard a lot of about Rizwan bhai. But when I met him, I was surprised by his energy. He has so much energy. He was doing so much things at a time. He is having a business empire in 10 East African countries, Dubai, China, Abu Dhabi, India. He is having Rizwan Aditya Foundation. This foundation has helped 7 lakhs people. Can you imagine? Within 4 years, this foundation, a big clap for Rizwan bhai. He has helped 7 lakhs people. And just imagine his dream. People dream to get money, to earn money. This person, philanthropist, has dream to serve 70 poor country. We are we compare our country to developed country and semi developed country. We are in world on 133. This one way, what number? 131 number. So 70 countries are poorer than India. So he has the dream to serve those 17 countries, and he is planning within 1 or 2 decades. Rizwan Aditya Foundation will be offices across these 70 countries. He has the dream, and he is thinking that I will remove poverty from this 70 country. See, this one cannot imagine also. This much means, and he is coming from a very poor family. Very poor family. We have spent days. He was used to travel in unreserved train. I was used to travel in unreserved train. So I had discussed many things. Then I shared the idea with my daughter here. And we should write a novel based on this amazing life of Rizwan ji. Then I have requested the publisher of Sri Book Center, Paresh Bahuwaji, my friend, philosopher and guide. So I have requested him that we should do a book. Actually, we are planning a book. Planning means I'm already working since 5 years. We have sanctioned a book. The book will come next year. No, which may be absolutely not because when I can see amazing planetary dignities around here, no word can really take place in between you and them. Reshu by Ashu. I mean, uptown funk, that kind of a category class this book is to me, because
when as in Porbandar person, apne Gujarat no Porbandar no yuvan, badak, kya pohunchi jaye East Africa mane atla Bharat na jhanda phailave. So I think the cover page itself speaks the hurdle of that struggle, hardship, and huge waves of what do you call musibats in life. You must have faced it personally. I think no one can express better than Ashu Patel through his words. Agree or not? Yes. About, I would rather like to say about this man, ane kevai class, style, ane presence, Dr. J.J. Rawal. Maru association, Ashu Sarthi, though, of course, I had heard greats about him. But the minute I started writing my column in Mumbai Samachar, I started reading him and actually started becoming his follower. Trust me, avakash ni vato je manas apanne ahiya shunya avakash ma dekhadi jaye. The person who's actually making us aware about what's happening up. So in today's trend, when we say what's up, so there's lot of up there, and we all have to be as humble as Ashu bhai, that come what may, things has to progress, and definitely supporters to him are amazing. To actually take it further for this entire event and each one of you standing out there. In fact, आज ने अन्या हमारा जो हम जैसे जो कोई strugglers होंगे, वो एक dream करते होंगे कि हमारा भी कुछ हो जाए ऐसा कुछ. Like you know, someday some nonsense we create, and that has to be so much from bottom of your heart, and it has to be such a fact that people like you can gather to bless us. In fact, Reshu sir and Ashu sir, you guys are getting blessed by this people's presence. Bada itli badi marketing karta hoy che loko ne khali potana event ma bulava mate. Ahiya to who's of the country, of the globe, and of the universe are present here, right sir? हमें बद्धा लाइक हम सब कहीं ना कहीं किसी प्लेनेटरी के तारे ही है, जिसमें हर एक में अलग अलग क्षमता है, हर एक अलग अलग तरीके से अपने आप में एक सितारा है. और जो इतने सारे वर्ड्स का धनी हो, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग राइटिंग 1000 वर्ड्स कैपेसिटी, 6000 वर्ड्स कैपेसिटी, बियॉन्ड मोर. बट व्हेन आशु सर सेड दैट व्हेन यू राइट समथिंग अबाउट समवन, इट हैज टू बी फ्रॉम योर हार्ट, दैट यू आर लिविंग दैट पर्सन. And that you are penning him down. So I think, I don't know what Ashu sir must have studied in you, and this ratio has come. We all will read it. I will buy it and read it. Of course, we all will. I mean, I can inspire that much by my presence. No, I will buy it. I will definitely buy it and read it, because that's what JJ sir is actually inclining me to. So nothing much to disturb. I think dignity. एक डायलॉग. What do you say? Yes. Public demand. Okay. डायलॉग से भी ज्यादा बहुत कुछ बोलने की क्षमता के आशीर्वाद चाहूंगी सबसे पहले एज ए भारतीय कन्या, क्योंकि कहते हैं कि जहां पे तुम खड़े हो वहां पे अपनी एक एनर्जी बोलती है, और इस एनर्जी का जो ग्रंथ के साथ एक बंधन जुड़ा है, आई थिंक ईच वन ऑफ अस शुड really imbibe each other with great positive energy, that this book goes miles ahead just as his life has gone ahead, and just as this guy has reached 50th on 50th birthday, may he reach 100 soon. Dialogue mein to aisa hai na sir, aapke samne dialogue bolna matlab khud ka apne aap ko pura kuen mein dhakel dena, right? जैसे कुछ भी शी मेंशन दैट आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग ए न्यूज़पेपर, सो इफ यू से दैट फ्रंट ऑफ आशु सर, इट्सेल्फ इज पैर पे कुल्हाड़ी मारना. अच्छा तमे लखो छो. सो आज के माहौल में जैसे सब अंजलि अपने तारक को फिट रखने के लिए करेले का जूस पिलाती है, वैसे हम सब मानदाता, ज्ञानदाता और अपने आप को इंटेलिजेंट जो कोई भी कहलाता, वो रेशु पढ़ के सब कुछ समझ जाता. That what is Ashu Patel and what is in Reshu. That's it. Thank you. रिजवान भाई. Okay, I'll.
Sir, come here, sir. Please, look straight, please. Yes. Yeah, sir. मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इसको लॉन्च करने तक पहुंचा दी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये बुक मुझे बहुत उम्मीद है, हर कोई जो भी कोई पढ़ेगा उनको डेफिनेटली इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, खास करके जो लोग बिजनेस के अंदर लॉस करते हैं, बिजनेस के अंदर बैंकक्रप्ट या ऐसी कोई सिचुएशन चैलेंजेस में आ जाते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करेगी। या बच्चे जो यूथ है जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनके पास लाइफ की चैलेंजेस को फेस करने का एक कोई रास्ता प्लेटफॉर्म नहीं है, उन लोगों को एक ये प्लेटफॉर्म देगी बुक। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट लेवे। और जो फैमिली के अंदर पारिवारिक तनाव चलता है या फैमिली के अंदर जो चैलेंजेस चलती है और आज की जो सिचुएशन या क्राइसिस की वजह से फैमिली में डिवाइड होती है या फैमिली बिखर जाती है, ये बुक पढ़ने से फैमिली के अंदर भी एक जोश आएगा, उन लोगों की यूनिटी स्ट्रांग बनेगी और चैलेंजेस को फेस करने की एक ताकत भी उन लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों तक आप पहुँचते हो और मुझे उम्मीद है आपके सपोर्ट से ये मेरी बुक, मेरी नॉवेल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। देखो हम आशु जी को जानते हैं, हम लोग तो हमारे कॉमन फ्रेंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जितेंद्र पटेल, उन्होंने मिलाया था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा मिल रही, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी और सब जिसमें बहुत सारी फिल्में बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, और ये 50वीं किताब में हमको इन्वाइट किया इन्होंने लॉन्च पे रेशू। तो हमने सोचा कि अगर उन्होंने इतनी इंटरेस्ट से लिखी है तो जिस शख्स पे लिखी है तो हमको बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ बहुत बड़ी हस्ती होगी, कुछ तो कुछ काम किया होगा जिस पे किताब लिखी है। हमने बोला हम लोग ज़रूर आएंगे, हमारी बेस्ट विशेष देंगे, हम लोग के जितना हो सके उतना देंगे, और बहुत इंस्पायरिंग है, जैसे हिमेश ने बोला कि बहुत इंस्पायरिंग जो ये कैरेक्टर अपना जिन पे बनी है वो रिजवान भाई, और इंटरनेशनल वेल नोन पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत बहुत उनके 50वें जन्मदिन पर उनकी बुक लॉन्च पर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे तरफ से और शुभकामनाएं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जितनों ने कहा हमको सुन के तो बहुत अच्छा लगा, हमको ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये, और इंटरेस्टिंग किताब रेशो हम लोग पढ़ना चाहेंगे, तो जब हमको बहुत अभी भी एक्साइटमेंट नहीं कि हम लोग कब शुरू करें पढ़ना, लेकिन हम लोग किसी से पढ़वाएंगे और हम लोग खुद, हम लोग पढ़ते नहीं है लेकिन हम लोग सुनते हैं, तो पढ़ के हम लोग सुनेंगे। तो आपको नहीं लगता सुन के इसे पर्दे पर लाना चाहिए? ऑफकोर्स डेफिनेटली लगेगा, इंस्पायरिंग है, हाँ, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इंस्पिरेशन मिले, किसी को एक स्क्रैच से लेके एक आदमी ने यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली इंस्पायरिंग होगी, तो क्यों नहीं बनेंगे हम लोग ऐसे के ऐसे ही। किसी को ऊपर किताब नहीं लिखी जाती है, जब किसी में कुछ बात होती है या कुछ किया होता है उन्होंने तो वो ऐसा इंस्पिरेशन पर्दे पर आना बहुत ज़रूरी है, तो देखेंगे हम लोग। किताबें तो मेरी काफ़ी आ चुकी है, ये 50वीं किताब है, लेकिन इंग्लिश मेरी सेकंड नॉवेल है और मुझे आनंद इस बात का है कि ये मेरे रीजन, मेरे नेटिव के पोरबंदर से है रिजवान जी, तो एक बिल्कुल पुअर फैमिली से, गरीबी से निकल के कोई आदमी इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है और लाइफ में उनके इतने ट्विस्ट टर्न्स है और आज कितने कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उनको पहचानते हैं, तो वो जो रोलर कस्टर जैसे राइड रिजवान आड़तिया जी की है, तो उस पर मुझे एक थॉट आया कि नोवेल लिखी जाए, और ये नोवेल लिखने में भी मुझे मजा आई। ये खाली एक नोवेल नहीं है, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे आदमी कैसे ओड सिचुएशन में अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आगे बढ़ सकता है आदमी, और कितनी ऊँचाई है सर कर सकता है, तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल रिजवान रतिया जी है। तो मुझे और खुशी दूसरी ये भी है कि इन पे मेरे परम मित्र और वेल नोन डायरेक्टर जयंत गिलाडर जी वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। मेरी पहली भी जो किताब आई थी मैडम एक्स, उन पे यहीं पे हुआ था लॉन्चिंग और आप लोग काफ़ी उनमें से ये थे, तिग्मांशु दुलिया जी मैडम एक्स पे फिल्म बना रहे हैं। तो बस आई एम एन्जॉइंग द इवनिंग and I am thankful to everybody. Thank you.